फ्रेंडशिप डे हॉरर स्टोरी द विस्परिंग कॉल ऑफ फ्रेंडशिप। ये कहानी है दो दोस्तों की जो बचपन से साथ थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग रास्ते दिखाए। सुनील और रीतम, बचपन के दोस्त जो हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाते रहे, लेकिन एक दिन जिंदगी ने उनकी दोस्ती को एक ऐसी परीक्षा में डाल दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां सुनील और रीतम ने अपनी जिंदगी के पहले कदम रखे। सुनील और रीतम की दोस्ती स्कूल के दिनों से शुरू हुई थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ में रहते थे। सुनील एक एडवेंचरस और जोशीला लड़का, हमेशा कुछ नया करने की इच्छा रखता था। रीतम एक हिस्ट्री लवर, हमेशा पुराने किले और महलों के किस्से सुनकर खुश होता था। सुनील और रीतम का जो दोस्ती था, वो सफर स्कूल के छोटे मोटे खेल से लेकर बड़ी बड़ी मुश्किलों तक था। हर समय दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे, एक दूसरे का सहारा बनकर। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों ने अलग अलग शहरों में नौकरियां हासिल की। सुनील एक फॉरेस्ट ऑफिसर बन गया तो वही रीतम एक हिस्टोरियन की नौकरी कर रहा था। दोनों की जिंदगी अपनी राहों पर चल रही थी, लेकिन दोस्ती का बंधन मजबूत था। रीतम यार, यहाँ मेरे फॉरेस्ट एरिया में एक पुराना किला है, क्या तू आएगा मेरे साथ एक्सप्लोर करने? सुनील, तू जानता है ना मुझे हिस्ट्री में कितनी दिलचस्पी है, लेकिन अभी मैं कुछ काम में व्यस्त हूँ, शायद बाद में। ठीक है यार, कभी भी आना, मैं इंतज़ार करूँगा। कुछ महीने गुजर गए। एक रात जब रीतम अपने घर में आराम कर रहा था, तब उसके फ़ोन पर एक अजीब कॉल आई। फ़ोन के दूसरे साइड से बस कुछ विस्पर्स सुनाई दिए, जैसे कोई बोलना चाहता हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। ये कॉल्स लगातार आने लगी, हर रात वही विस्पर्स, वही आवाज़ें। रीतम परेशान हो गया। ये कौन हो सकता है, ये कहीं कोई प्रैंक कॉल तो नहीं? रीतम ने उस नंबर को ट्रेस करने का फैसला किया। जब एड्रेस मिला तो वो सुनील का निकला। रीतम शॉक में था। सुनील, ये नंबर उसका कैसे हो सकता है? मैं उसका दूसरा नंबर ट्राई करता हूँ। लेकिन सुनील का फोन नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर था। परेशान रीतम ने सुनील के माँ बाप को कॉल किया। रीतम बेटा, हम भी परेशान हैं। सुनील ने आखिरी बार 3 दिन पहले कॉल किया था। उसने कहा था कि वो एक एडवेंचरस ट्रिप पर जा रहा है और कुछ दिन तक कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। मुझे उसके फॉरेस्ट एरिया में जाना होगा, शायद वही कुछ पता चले। रीतम ने सुनील के फॉरेस्ट एरिया का रुख किया। वहां पहुंचकर उसने उस पुराने किले को ढूंढना शुरू किया जिसका जिक्र सुनील ने किया था। किले के अंदर घुसते ही रीतम को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें वही विस्पर्स थी जो उससे फोन पर सुनाई देती थी। रीतम ने धीरे धीरे उन आवाजों का पीछा किया
और एक पुरानी बेसमेंट में पहुंच गया। वहां उसने कुछ आदमियों को देखा जो इलीगल वेपन्स स्मगल कर रहे थे। रीतम ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, लेकिन तभी उसका सामना उन स्मगलर से हो गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया है? तुम्हारा दोस्त? उसने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की थी। उसका अंजाम भी वही हुआ जो तुम्हारा होगा। रीतम को तब पता चला कि सुनील को उन स्मगलर ने मार दिया है। पुलिस ने वक्त पर आकर उन स्मगलर को अरेस्ट किया और सुनील की लाश को किले के पीछे ही खोद निकाला। उसके हाथ में उसका मोबाइल था जिसमें आखिरी डायल्ड नंबर रीतम का था। सुनील की अंतिम संस्कार के समय रीतम को लगा जैसे उसका दोस्त अब भी उसके साथ है। उसकी आत्मा इतनी मजबूत थी कि उसने मरने के बाद भी अपने दोस्त से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि उसके साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले सके। ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि उस दोस्ती के बंधन की है जो मौत के बाद भी टूट नहीं सकती। सुनील और रीतम की दोस्ती ने साबित किया कि सच्चे दोस्त कभी नहीं बिछड़ते। हैप्पी फ्रेंडशिप डे।